अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके सामने मेथी के पराठे बनाने जा रही हूँ। ये देखिएगा, मैंने मेथी को इसके अंदर गूंद लिया था, थोड़ा सा मैंने आटे के अंदर ही गूंद लिया है। और थोड़ा सा उससे पहले, गूंदने से पहले आपने करना ये है कि मेथी को नमक डाल के विदाउट ऑयल इसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपने जैसा नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसमें नॉर्मल आटा गूंद लीजिएगा। और इस तरह करके पतले पतले मैंने पेड़े बना लिए। आप देखिए, मैं इनको देसी घी में फ्राई करती हूँ। सर्दियों की सौगात ज़रूर खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये देखिएगा, मैंने इसको इसमें डाल दिया है और बहुत अच्छी सौगात है ये सर्दियों की। मेथी का पराठा बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। ज़रूर खाएं, इसमें फुल ऑफ आयरन, फुल ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग, क्योंकि ग्रीन है। आप इसको ज़रूर खाएं, आजकल जो मौसम जा रहा है। और इसको आप किसी की चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिएगा, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का ये मेथी का पराठा, और बहुत इजी और बड़ी क्विक रेसिपी है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपने करना ये है कि देसी आटे को मैंने गूंदा है, और उसके बाद मैंने इसमें क्या कहते हैं, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के मेथी को मैंने ब्लेंड कर लिया है। कूटना चाहें तो आप कूट लें। और उसके बाद आपने नॉर्मल देसी के आटे में थोड़ा सा नमक, जैसे हम नॉर्मली डालते हैं, उसके साथ इसको मिक्स करके पानी के साथ गूंद लें और छोटे छोटे पेड़े बना लें। पेड़े बनाने के बाद आप इसको इसी तरह हल्की आंच पे इसको करिएगा, तेज़ आंच पे नहीं बनाना। बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेथी के पराठे आपके तैयार हो जाते हैं। ये देखिएगा, मैंने एक साइड सेक ली है, और सेकने के बाद मैं इसको टर्न कर दूंगी। और ये आपके मेथी के पतले से ज़बरदस्त किस्म के मेथी के पराठे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। मैं आपको इसका, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार किस्म की, इसको अपनी डाइट में शामिल करें। हमारी डाइट बहुत ख़राब हो चुकी हुई है, हम कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें को उनको शामिल करें। ये देखिएगा, इसको मैं टर्न कर रही हूँ। वाओ, ज़बरदस्त किस्म का मेथी का पराठा फूल भी रहा है। कोई मैंने इसमें ख़ास चीज़ नहीं डाली है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अच्छी अच्छी चीज़ें खाइएगा, इसके साथ आप रायता भी खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब मैं आज आपके सामने मूली के पराठे लेके आ रही हूँ। मैंने इसको, मूली को कद्दूकश करके रख दिया था। ये देखिएगा, कद्दूकश किया हुआ है। और मैं इसके टिप्स भी आपको दूंगी कि कद्दूकश करके अगर आप रात को इसको रख लेते हैं एक डब्बे में, तो ये बहुत अच्छे पराठों का रिजल्ट आता है। अब मैंने इसको एक देचकी में डाल दिया है। एक बड़ा चम्मच अदरक का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अदरक ज़रूर डालिएगा, जो क्योंकि मूली बहुत बादी होती है, तो ये आपका बड़ा अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। ये भी एक वन ऑफ द टिप होगी मूली। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, और उसके बाद हम, लाल मिर्च मेरी बहुत तेज़ है इसलिए मैंने बहुत थोड़ी डाली, और एक चम्मच भर के मैं इसमें नमक का डालूंगी, बल्कि एक से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं डालें। इसको आपने क्या करना है, एज इट इज़ थोड़ा सा मिक्स करना है, और हल्की सी आंच पे इसको दम पे रख देना है। मूली के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। ये अपना ही पानी छोड़ के ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद हम, मैं आपको बताऊंगी, नॉर्मल आटा जो हम गूंदते हैं, मैंने कोई मैदा उसमें नहीं डाला, नॉर्मल आटे के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको जो है मूली के पराठे पतले पतले बड़े मज़ेदार तैयार करते हैं। मैं इसको कवर कर रही हूँ। इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा तो ये मूली के पराठों का रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें धनिया क्रश करके डाल सकते हैं, और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा, मूली के पराठे जो हैं वो आपके मेरे ड्राई हो गए हैं, और इसमें मैंने गरम गरम थोड़ा सा धनिया डाला है और हरी मिर्च को डाल के इसको अब मैं ठंडा करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे हम बड़े मज़ेदार किस्म के पराठे बनाते हैं। देखिए, ये मेरा मूली का जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको इसका क्लियर होगा। और इधर मैंने अपना तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, और दो पेड़े बना दिए हैं। अब मैं इन पेड़ों को जो है सेंटर में मूली को फिल करूंगी। बहुत पतले, बड़े छोटे मैंने पेड़े बनाए हैं, ये देखिएगा। इसी तरह मैं इसको, मूली को फिल करूंगी, और मैं देसी घी का यूज़ करती हूँ। और मैं देसी घी ही प्रेफर आप लोगों को करूँगी कि बच्चों को देसी घी को ज़रूर दें, बड़ों को दें। आजकल जो हालात जा रहे हैं, देसी घी को अपने नॉर्मल खाने में करें, ऑयल को ज़रा कम इस्तेमाल करें। अब मैं इसके अंदर इनकी फिलिंग करूंगी। फिलिंग करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको इसको फ्राई करके बता दूँ।
बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेरे मूली के पराठे तैयार हो गए हैं। मैं आप उसको प्रेजेंट करूँगी ज़बरदस्त देसी घी में बने हुए। और ये देखिएगा फुली कुक्ड हो चुके हैं, बेहतरीन किस्म से। मेरे रेसिपी को इंजॉय करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। मैं इसको प्रेजेंट करके आपको बताती हूँ, इसको दही के साथ या किसी चीज़ के साथ खाएं ज़रूर।